जो दिल्ली में राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया हरियाणा का, देश के लिए, उसमें 72,000 रुपये सालाना न्यूनतम आय की जो गारंटी थी, मिनिमम गारंटी इनकम, वो खुशहाल जीवन करने के लिए एक आधार बनेगी और वो एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। बहुत सारे देशों में सामाजिक न्याय के हिसाब से ये ऐसे प्रोविजन हैं जो हमारे देश में नहीं था, और ये देश के 5 करोड़ जो परिवार हैं बीपीएल जो, और 25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा, तकरीबन 20% देश की पॉपुलेशन को। और जैसा आपको पहले मालूम है कि पहले एक बार कहा था किसान कर्जा माफ़ करेंगे, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, मनरेगा का जैसे किया, मनरेगा में आज जो है बहुत सारे करोड़ों लोगों को, करोड़ों लोगों को पावर्टी से बाहर किया, उसमें भी इजाफा किया, पहले 100 दिन का रोजगार देते थे, अब 150 दिन का उसमें करेंगे। यहाँ अगर यहाँ हरियाणा में देखें तो भाजपा कि जो भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में 154 वायदे जो पूरा किए करने को कहा था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, वो तो दूर, एक 9000 करोड़ की लागत से वाला हाईवे 152D जो इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से कोटपुतली को जोड़ने का वाले अवार्ड हो गया जमीन का, और अवार्ड के बाद रद्द कर दिया क्योंकि किसान को कंपनसेशन देना चाहते हैं, जिस तरह दादूपुर नलवी का किया, अवार्ड को कोर्ट ने आदेश दे दिया, इन्होंने उसको कर दिया, किस तरह बावल में किया, बावल में जो लॉजिस्टिक हब बनने वाला था जिसमें 3000 करोड़ केंद्र से भी आना था, अवार्ड का अवार्ड सुनाने के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि किसान विरोधी सरकार है, किसान को अवार्ड देना, किसान को उसकी वाजिब कीमत देना चाहते हैं, एक ढिंढोरा पीट रहे हैं जो भी इनका मंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने नौकरियों में पारदर्शिता दिखाई, और इससे ज़्यादा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ। ये तो SSCA का जो चेयरमैन था उसको इनको सस्पेंड करना पड़ा, और अभी सोनीपत में भर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए खाए गए, और वो एक आदमी आज तो घूम गया, उस तरीके अब तक कोई इंक्वायरी नहीं करेगी जिसमें भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम आका गया है। जैसे MPHW की 106 कैंडिडेट ऐसे सेलेक्ट करे इन्होंने जिन्होंने जिनका शॉर्टलिस्ट में नाम ही नहीं था, पहले शॉर्टलिस्टेड किए गए, अखबार में नाम आया, मेरे पास सारा रिकॉर्ड RTI से निकाल लिया भाई। हाँ जी, हाँ जी, लाख अभी ग्रुप डी की भर्ती में, ये देखिए 106 ऐसे आदमी जिनके प्लेस विदाउट देयर नेम इन द इंटरव्यू लिस्ट, जिनका वो था ही नहीं और सीधे इंटरव्यू ले लिए गए, ये RTI हमारे पास MPHW ये मेल दोनों ही हैं। RTI के हवाले से आया देने से मना कर दिया था RTI के, उसमें क्या हमने जब मांगा तो उन्होंने देने से मना ही कर दिया, जबकि ये साबित कर चुके हैं। इस प्रकार से देखिए आज के अखबार में शादी नौकरी दिला रहे के नाम पर ठगे 54 लाख भिवानी में। इस प्रकार हर जगह मतलब ऐसा नौकरियों का हिसाब कर रखा है इन्होंने कि जैसे परचून की दुकान होती है, सबसे ज़्यादा घपला उनमें किया, और पुलिस भर्ती में भी इन्होंने बहुत गड़बड़ की, आम बोली लगी, जैसे कम्पिटिटिव होता है ना वहाँ कंप्यूटर लगता है भाई इतनी देर में रेस पूरा करेंगे,
ऐसा कोई कुछ नहीं लगाया गया वहां। तो इस बात की पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो किसान का शुरू से कह रहे हैं बाद तक MSP नहीं मिला। अभी मैं जब ये पद यात्रा में भी कई जगह गए हम, बस यात्रा पर, परिवर्तन यात्रा में, तो वहाँ बहुत शिकायत मिली हमारे को, क्योंकि सरसों की फसल आई हुई है, उसका MSP 4200 रुपये है, और किसान मजबूर हो रहा है 3,2800-3200 रुपये बेचने में। आज के अखबार में पूरी खबरें भी छपी हुई हैं आपके। इसी प्रकार पहले भी, चाहे वो सूरजमुखी हो, चाहे सरसों हो, चाहे बाजरा हो, गेहूं तक का भी यही हाल हुआ, और गन्ने का भी यही हाल है। जो एक बड़ा घोटाला हमने उजागर किया था, जो बस का किलोमीटर स्कीम में, उस टाइम हमने किया था, और जब दूसरा हुआ, जब और ज़्यादा घोटाला हुआ था, अभी विजिलेंस इंक्वायरी कर रहे थे, जबकि उसी टाइम करनी चाहिए थी इनको। स्मार्ट सिटी करनाल को घोषित किया, ये एक जुमला ही साबित हुआ, एक पैसा नहीं लगा स्मार्ट सिटी के नाम का, कोई भी वहाँ कोई मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है। इनका हाजमा बहुत तेज है घोटालों में, अरावली को ही हजम कर गए, हजारों करोड़ का घोटाला है, मैं आज दावे से कह सकता हूँ, हजारों करोड़ का, जो भूमाफिया के हवाले जो अमेंडमेंट लाने की उन्होंने किया, फरीदाबाद में लाइसेंस दे दिया गया, और आपका ये जो माइनिंग का, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंडक्ट किया है मुख्यमंत्री के दफ्तर को, उन्होंने कहा भाई ये वहाँ के वहाँ से हुआ, और यमुना के रास्ता ही बदल गया, यमुना के रेत कितनी है, यहाँ तक कि गरीब आदमी दाल रोटी जो स्कीम थी उसमें भी घोटाला कर दिया, और कर्मचारियों के HRA में भी, आज तक HRA नहीं दिया, दो सेवंथ उसका कमीशन है इन्होंने, HRA वो भी आजम। दाल में परचेज में घोटाला हुआ था, इंक्वायरी हुई उसकी बात है ना, और वो स्कीम ही बंद कर दी इन्होंने गरीब आदमी की। मतलब अरावली जैसी पहाड़ जैसे लेकर जमुना का रेत पत्थर, दाल रोटी, गरीब आदमी दाल रोटी भी, इनका हाजमा इतना तेज है। शिवालिक की पहाड़ी है हाँ, आ जा जो किया है। ये जो कल मैनिफेस्टो जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और हर वर्ग के लिए उन्हें वो किया है, जैसे पावर्टी से निकालने के लिए, गरीबी रेखा से निकालने के लिए, किसान के लिए जो उसको कर्ज मुक्त कर्ज वो बनाने का फैसला किया है, उचित भाव देकर किसान के लिए जो विशेष दी हैं, और गरीब आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए जो प्रावधान है, वो गेम चेंजर साबित होगा। और भाजपा की 5 साल की सरकार सिर्फ नेम चेंजर साबित हुई है, नाम बदले इन्होंने, किसान बजट भी अलग आएगा, और किसान के लिए तो मैंने कहा किसान बजट से लेकर आपका उसकी आयु आमदनी, अब 5 साल में नेम चेंजर जी, गुड़गांव का गुरुग्राम रख दिया, स्कीम हमारी बदल, ये जो हमारी स्कीमें थी उनका नाम बदल दिया, लाडली स्कीम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख दिया, सिर्फ नेम चेंजर से हुई है, और कांग्रेस का ये गेम चेंजर सिद्ध होगा। किसान के लिए तो बहुत
जो मैनिफेस्टो है जो कहा है वो करेंगे, अलग से बजट बनेगा किसान का, बजट अलग प्रस्तुत करेगी केंद्र सरकार। और आपने देखा जब ये तीन प्रदेशों की सरकार आई तो किसान से वायदा किया था कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर अंदर उनका कर्जा माफ किया। इन्होंने किसान को बर्बाद करने की सिवाय लागत बड़ी बढ़ा दी, लागत हर हिसाब से बढ़ गई। आप देखें हमारे समय में ना तो फर्टिलाइजर पे टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना स्पेयर पार्ट पे था, डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था। ये अजीब इनकी सरकार की नीति क्या है, किसान विरोधी नीति है। अब फर्टिलाइजर पे भी टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे भी टैक्स जीएसटी लग गया, ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी टैक्स, और डीजल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो गया लेकिन यहाँ सस्ता नहीं हुआ, वैट बढ़ा दिया। इसी प्रकार से किसान को दौरी मार पड़ रही है। किसान का देखिए आलू जो है वो सस्ता बिकता है, जब आलू किसान की बारी आती है सस्ता है, लेकिन आलू से जो चिप्स बनते हैं वो सस्ते नहीं हुए। टमाटर पिट गया किसान का लेकिन सॉस सस्ता नहीं हुआ। अरे सफेदा जो 1400 रुपये का भाव था 250 रुपये बिक रहा है वो तो हो गया, लेकिन प्राइवेट लोगों को सस्ती नहीं मिलती। गन्ने का दाम दिया नहीं जा रहा लेकिन चीनी सस्ती नहीं है। तो आप कोई भी देखें जो हम सब्सिडी देते थे दूध मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो इन्होंने विड्रॉ कर ली, जो गरीब आदमी बच्चों के लिए था वो विड्रॉ कर लिया। तो हर हिसाब से ये पार्टी, इसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल सरकार हुई है और नॉन परफॉर्मिंग सरकार इसको कह सकते हैं आप, केवल इवेंट मैनेजमेंट। और कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पर टिकी है, जो घोषणा पत्र दिया है उसमें 6 सिद्धांत मुख्य तौर पर 6 सिद्धांत हैं। एक तो काम, रोजगार और विकास, इसमें रोजगार, उद्योग, आधारभूत ढांचा और ग्रामीण विकास आदि पर जोर दिया गया है। दाम सबके हितार्थ, अर्थव्यवस्था, कृषि, किसान और कृषि सार्मिक आर्थिक नीति, न्यूनतम आय योजना है, मतलब दाम भी अच्छे दें, किसान को भी मिलेंगे, गरीब आदमी को मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और शान, इच्छा शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति और पूर्व सैनिक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आदि के लिए भी अलग से वायदे किए हैं। सुशासन देने का वायदा किया है, स्वाभिमान से महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति बंद करके कर ली, लाइट गई, लाइट चली गई, तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे फॉरेस्ट एक्ट में और इसमें पूरे देश के हर वर्ग के लिए इन्होंने किया है। सम्मानजनक जीवन जो व्यतीत कर सके, जो यूनिवर्सल स्वास्थ्य देखभाल जिन्होंने किया है, शिक्षा में बिजली गई, थोड़ा लाओ हेलो, शिक्षा का जो बजट बनाएंगे जी, शिक्षा का जो था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट बनाएंगे, डिफेंस का भी ये है। लो जी आगे तो नीचे वाला भी कर दो, अच्छा है ये ना, ये इसी में दो तीन सारे अच्छे हैं, ये 11-12 दो। देश के सामने, देश के लोगों के सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है, या तो आज़ादी, कांग्रेस की सरकार वाले तो आज़ादी और इनकी रहेंगे तो भय। सद्भाव, कांग्रेस सद्भाव देगी, इन्होंने घृणा दी है। हम जोड़ना जानते हैं, ये तोड़ना जानते हैं, तोड़ने का काम किया है। हम भाईचारा देंगे, ये भेदभाव करेंगे। हम गरिमा करेंगे, ये उत्पीड़न करेंगे। सबकी खुशहाली है हमारे यहाँ, ये चंद लोगों की दौलत की रखवाली है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।